इगतपुरी नगर परिषदेच्या हद्दीत 14व्या वित्त आयोग योजनेच्या अंतर्गत घनकचरा संकलित करून तो प्रक्रिया केंद्रावर प्रक्रियेसाठी पाठवण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट नगर परिषदेने दिले आहे। या कामासाठी खर्चाचा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे, पण अद्याप या कामाची मंजुरी प्राप्त झाली नसल्याने कंत्राटदारांना देण्यासाठी नगर परिषदेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही आणि त्यामुळेच इन कोविड-19 ह्या काळात इगतपुरी शहरातील घरोघरचा कचरा संकलित करणाऱ्या घंटागाड्या बंद पडल्या आहेत। जानेवारी 2020 पर्यंत या कंत्राट अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार झाले असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं, परंतु फेब्रुवारी 2020 नंतर आतापर्यंत मात्र पगार झालेला नसल्याचं या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं। यामुळे शहरातील वर्गीकृत घनकचरा घंटागाडीद्वारे संकलित करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 24 ऑगस्ट पासून काम बंद केले आहे। या गोष्टीवर लवकरात लवकर तोडगा निघावा यासाठी नगरसेवक नगर अध्यक्ष संजय इंदुलकर आणि उपनगर अध्यक्ष नईम खान यांनी इगतपुरी तहसीलदारांकडे निवेदन दिले आहे। जो कॉन्ट्रॅक्टर है इगतपुरी नगर पालिका के सफाई कामगार का पेमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए पिछले 2 रोज से घंटा गाड़ी के कामगार काम नहीं कर पा रहे। हमारी विनती है, इस कोविड का ऐसा समय है, महामारी का समय है, तो इसके लिए इगतपुरी के जो कामगार है, जो परमानेंट कामगार है, उनकी भी भर्ती अभी तक कलेक्टर ऑफिस से मंजूरी नहीं हुई है। तो इधर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सीग्रेड नगर पालिका है, सीग्रेड नगर पालिका रहने के बाद में जनरल फंड में हमारे पास पैसे नहीं रहते, तो हमारे को कलेक्टर से हमको हमारी विनंती है कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रशासकीय मंजूरी इसको दे देवे, और जो सम के ऊपर गए हैं कामगार और कॉन्ट्रैक्टर भी जो है, कॉन्ट्रैक्टर भी उनको 8-8 महीने का पेमेंट नहीं दे सकता, उसकी भी परिस्थिति नहीं है। जल्दी से जल्दी ये पेमेंट रिलीज करें, ऐसे हमारे सब नगर सेवक नगर सेविका इनकी विनंती है कि ऐसे कोविड की महामारी के पेंडेमिक है और जल्दी से जल्दी इसको रिलीज करें, ये हमारी विनंती है। या गोष्टीवर त्वरित मार्ग काढावा व सदर यंत्रणा सुरळीत करावी अशी विनंती नगरसेवकांनी केली आहे। सतीश पुरोहितसह हर्षदा निकम, न्यूज इंडिया 27, इगतपुरी।